क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, बट जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है और जितने भी इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, तो वो सभी हमें पता चलने वाले हैं इस वीडियो में और इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं एक और बंक पर। तो अब हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जिसका हम सबको इंतजार था, क्योंकि जितने भी हमारे गलत गलत परफॉर्मर्स थे, जिनकी जो बातें थी और उनका जो लिमिटेशंस थी, यानी कि जो गलतियां निकालनी थी, वो हम कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो चलिए बढ़ते हैं एक स्टेप आगे और बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। हेनरी मॉसले करके एक साइंटिस्ट हैं। अब उन्होंने क्या किया, इस टेबल को मॉडर्न बनाया। पहले समझते इस पीरियोडिक टेबल जो है, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों बोला है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम भी मॉडर्न नहीं है, तो इसका नाम मॉडर्न क्यों रखा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों रखा गया है। तो क्या हुआ था, हमने अभी तक जो पढ़ा था, मेंडलीव ने जो टेबल दी थी उसमें हमने एक चीज देखी थी, एक पीरियोडिक लॉ था जो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो गया था, जो कि क्या था कि जो एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। एक बार फिर से देखते, क्या है एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होगी, फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, डिपेंडेड है, किस पर डिपेंडेड है एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके एटॉमिक मास पे। सभी साइंटिस्ट तो यही कर रहे थे और हमने जितनी भी कंसेप्ट्स पढ़े उनमें भी हमने यही देखा, क्या था, एटॉमिक मास को याद रखना, जितना भी अरेंजमेंट किया एटॉमिक मास के बेसिक पर किया। बट अब क्या होने वाला है, फॉर्मेट होने वाला है। नहीं 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 नहीं, नहीं पूरा फॉर्मेट नहीं करना है, सब कुछ क्लीन अप, यानी कि ये जो बात थी एटॉमिक मास वाली, इसे हम फॉर्मेट करने वाले हैं, क्योंकि हेनरी मॉसले ने ये कहा कि जो पीरियोडिक लॉ था, जिसमें क्या कहा था मेंडलीव ने कि काय की फंक्शन है एटॉमिक मास का, लेकिन ये कहते हैं कि एक एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। एक नई बात देखने को मिली, क्या हुआ, एटॉमिक मास का फंक्शन नहीं है जो एक एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का। तो अब एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, इस बात को क्या सर एकदम श्योर कर ले, हाँ कर लीजिए, पक्का कर ले, हाँ पक्का कर लीजिए। तो जो हमारा पीरियोडिक लॉ था, जो कह रहा था, क्या कह रहा था, एटॉमिक मास पे डिपेंडेड होती है, उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और किसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हेनरी मॉसले ने जो बोला उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कि एक एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेड है, एटॉमिक नंबर पे, वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक नंबर का। और यही बात क्या हो गई, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गई, जिसमें हमने एटॉमिक मास की जगह क्या कह दिया, एटॉमिक नंबर। तो अब एटॉमिक नंबर के बेसिक पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया, मॉडिफाइड किया गया, इसीलिए इस टेबल को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़े से चेंजेस करेंगे, इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के कंसेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और एटॉमिक नंबर के बेसिक पर जब हम इस टेबल को अरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स है, जो वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं, हम जानते हैं ग्रुप्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसी लाइन, ये यहां पर 18 थे, यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स हमको इस पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो यहां पर हमें कितने ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स है, हम जानते हैं वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप्स, तो 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलने वाले हैं 18 ग्रुप्स, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलना है, पीरियड्स बोलना है, क्या बोलना है, पीरियड्स बोलना है। तो पीरियड्स कितने थे, 7 थे, कितने थे, 7 थे। तो हमें यहां पर 18 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं और 7 पीरियड्स देखने को मिलते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अब एक एक करके हम क्या देखेंगे, फीचर ऑफ ग्रुप का फीचर क्या क्या है, पीरियड्स का फीचर क्या क्या है, ये तो समझ में आ गया, 18 ग्रुप्स है और 7
पीरियड्स है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ग्रुप्स के फीचर क्या है और पीरियड्स के फीचर क्या है। तो चलिए बात करते हैं फीचर ऑफ ग्रुप्स की। अब जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ग्रुप्स में उनके फीचर्स क्या है, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या देखने वाले हैं हम, ग्रुप्स के फीचर्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या था, जो ग्रुप्स थे ना वो और ज्यादा डिवाइडेड नहीं थे सब ग्रुप्स में। यानी कि क्या हुआ सर, इसका मतलब जो एक ग्रुप है ना वो एक ही ग्रुप है, उसमें और ज्यादा ग्रुप नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि जो फर्स्ट चीज हमें देखने को मिल रही है वो क्या है, जो ग्रुप्स यहां पर प्रेजेंट थे वो और ज्यादा सब ग्रुप्स में डिवाइडेड नहीं थे। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपको एक ग्रुप दिख रहा होगा, सारे 18 की 18 ग्रुप्स को हटा देते हैं और एक ग्रुप दिख रहा होगा, क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे। तो एक ग्रुप से हम ग्रुप्स के फीचर्स समझ सकते हैं। तो यहां पर अब आपको स्क्रीन पे वो पिक्चर दिख रही होगी। तो यहां पर क्या होता है, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक ग्रुप है जो 18 ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हर जो ग्रुप होगा उसमें जितने भी, उस वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि इस ग्रुप में है, यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होंगे। याद रख ली ये बात, क्या है कि एक ग्रुप में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट्स के रहने वाले हैं सेम। यानी कि जो फर्स्ट पर प्रेजेंट है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही सेकंड में है, और जितने सेकंड में उतने ही थर्ड में है, और थर्ड वाले में जितने उतने ही फोर्थ में है, और फोर्थ वाला भी फिफ्थ वाले जैसा है, यानी कि फिफ्थ में भी उतने ही है। यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हमेशा सेम। अब यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है, इनकी वैलेंसी भी सेम होती है। क्या होती है, वैलेंसी भी सेम होती है। यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे उनकी वैलेंसी भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। सर ये वैलेंसी क्या होती है, आगे चल के हम डिस्कस करने वाले वैलेंसी क्या होती है, बट आपको वहां तक चलने तक ये याद रखना है कि ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स है सभी की वैलेंसी है सेम। क्या है, सभी की वैलेंसी सेम है। ये वैसा ही एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब्जेक्ट्स क्या होने वाले, सेम होने वाले। ऐसा होता है क्या, अच्छा तू कौन सी बुक लाया है, तेरी बुक तो अलग है, मेरी बुक ये वाली और उसकी और अलग है, ऐसा कभी नहीं होता है। इधर भी सेम बुक, इधर भी सेम बुक, इधर भी सेम बुक। तो वैसे ही एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी क्या होने वाली है, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ग्रुप में सबकी वैलेंसी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, कहाँ चलेंगे, डाउन द ग्रुप, यानी कि ऐसे एक एक करके नीचे जब आएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं ये हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन इन इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 वाला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हमें क्या समझना है, जब हम इस ग्रुप में नीचे चलेंगे तो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके शेल इंक्रीज होते जाते हैं। क्या होते हैं, शेल इंक्रीज होते हैं। ये हो गई हमारी असेंबली की लाइन। क्या होता है, हाइट वाइज लगो, मैडम बोलती है ना बेटा हाइट वाइज लगना है तुम्हें, तो वैसा ही यहां पर रूल है, एकदम प्रॉपर खड़े हुए सब हाइट वाइज। पहले क्या होता है, छोटा बच्चा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा, लास्ट तक जाते 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 सबसे बड़ा बच्चा। तो वैसे यहां पर है, पहले जो ग्रुप में होगा वो छोटा होगा क्योंकि उसमें कम शेल है, जो लास्ट में होगा वो सबसे ज्यादा उसका साइज होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स वहां पर इंक्रीज होंगे। तो रिमेंबर रख लिया हमने ये बात कि जब हम ग्रुप में चलने वाले हैं नीचे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले। क्या होने वाले, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने वाले हैं। अब जिनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा हमें याद रखना है, क्या देखने को मिलने वाली है, सेम टू सेम। ये वैसा हो गया, ड्रेस भी सेम होगा। अब सबका क्लास क्या होगा, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उनकी क्लास कौन सी है, 10th है, तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। एक ही ग्रुप के मेंबर है ना, दूसरे ग्रुप के नहीं है, तो क्या होगा, इनका नेचर यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है फीचर ऑफ ग्रुप्स में,
फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होगा ग्रुप में, जब हम नीचे नीचे चलेंगे ना तो इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्या बोला मैंने, जब हम ग्रुप में नीचे नीचे आते गए वैल्यू बढ़ती गई। किस चीज़ की वैल्यू बढ़ती गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की वैल्यू बढ़ेगी जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे। चलिए इसके पीछे रीजन देखते कि क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि आप ये तो मानते हैं और ये जानते हैं कि जब ग्रुप में हम जाएंगे नीचे तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। पहले वाला है छोटा, आखिरी वाला है बड़ा, तो क्या होगा, एक ग्लास पानी जल्दी बॉयल होगा कि 10 ग्लास पानी जल्दी बॉयल होगा? यकीनन कंफर्म है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, एक ग्लास पानी जल्दी बॉयल होगा और 10 ग्लास बाद में होगा। तो वैसा ही यहां पर है, जो पहले वाला एलिमेंट है उसका साइज क्या है, छोटा है, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जल्दी बॉइल हो जाएगा, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जैसे जैसे ग्रुप में जाएंगे साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होगी, एज डाउन द ग्रुप क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो इसी के साथ हमने ग्रुप्स के सारे फीचर्स देख लिए हैं। ऐसा लग रहा है अभी तो स्टार्ट ही किया था और पता ही नहीं चला कब खत्म हो गए। तो बहुत कॉमन कॉमन चीजें हैं जो हमको ग्रुप्स को लेके याद रखनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि ये फीचर्स हमको ग्रुप में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे पीरियड्स के फीचर्स की, यानी कि ग्रुप्स के फीचर्स की बात हम कर चुके हैं और हमें समझ भी आ चुका है। अब हम बात करेंगे पीरियड्स के फीचर की, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल रही है उसके क्या क्या फीचर्स है उनके बारे में अब बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। कहाँ चलने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट चलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फीचर हमें पीरियड में देखने को मिलता है वो ये होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं, पीरियड्स में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे। क्यों सर, नंबर ऑफ शेल्स सेम क्यों होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स क्यों सेम होते हैं, इसको हम समझते हैं। हमने देखा था ग्रुप में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बाद धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो हाइट वाला एग्जाम्पल लेके हमने समझा था, उसी से हम ये चीज क्लियर करेंगे। जब क्या हो रहा था, छोटा स्टूडेंट उससे और बड़ा और बड़ा और बड़ा, हाइट वाइज असेंबली में लाइन लगी तो क्या हुआ, लास्ट वाला बहुत बड़ी हाइट वाला रहता है, सामने वाला सबसे छोटी हाइट वाला। अब बट उस समय हम लाइन को कैसा देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे, यानी कि पूरा ऐसा की ऐसा देख रहे थे। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की नहीं कर रहे हैं, पीरियड्स की कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो अब समझ लेते हैं, एक छोटी हाइट का बच्चा यहां पर खड़ा हुआ है, पीरियड्स में कैसा जाना है, साइड में जाना है। जब वो इस साइड देखेगा तो क्या होगा, जो हर क्लास की लाइन है वहां पर जो पहला पहले स्टूडेंट होंगे, जो पहले पहले बच्चे होंगे, वो सब कैसे होंगे, छोटी छोटी हाइट वाले होंगे, कैसे होंगे, छोटी हाइट वाले होंगे। इसीलिए तो जब हम पीरियड्स में देखेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स दिखेंगे उस एलिमेंट्स के पास में इस रो में, उनमें क्या होने वाले हैं, सेम नंबर ऑफ शेल्स होने वाले हैं। और ये क्यों होने वाला है, ये असेंबली वाले एग्जांपल से आपको एकदम दिमाग में ऐसे फिगर आउट करके रखना है। और ये अब हमें अच्छे से समझ आ चुका है कि पीरियड्स का पहला फीचर ये होता है कि यहां पर जो नंबर ऑफ शेल्स है वो हमें कैसे दिखने वाले हैं, सेम दिखने वाले हैं। बट यहां पर जो हमारे शेल्स है वो तो सेम है बट इलेक्ट्रॉन सेम्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने ग्रुप्स के फीचर्स में पढ़ा था जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट जब हम पीरियड्स के फीचर में बात करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सेम नहीं होते हैं, यानी कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अलग होंगे। वो बच्चा जब राइट साइड की लाइन में देख रहा है, हाइट तो सेम है फर्स्ट वाले जितनी ही, यानी कि शेल्स का साइज तो सेम है बट क्लास अलग अलग है, वो फिफ्थ क्लास की रो, सिक्स की, सेवन्थ की, एट की। तो वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। जब हम पीरियड्स की बात करेंगे तो सेकंड फ्यूचर में ये देखने को मिल रहा है, जब जाएंगे लेफ्ट टू राइट, जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं। तो अब जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, क्या बोला है मैंने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी,
अलग होगी, क्या होगी? अलग होगी क्योंकि क्लास सेम है, तो अब क्या होने वाली है, बुक्स चेंज होने वाली है। जो सिक्स क्लास वाले स्टूडेंट के पास बुक है वो सेवन्थ वाले के पास नहीं है। दोनों का कोर्स अलग है, बुक्स अलग है, क्यों? दोनों की क्लास अलग है। तो वैसे ही दोनों के पास जब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, यानी कि जब हम पीरियड्स में है, सारे एलिमेंट्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियड्स में क्या होगी, डिफरेंट होगी फ्रॉम ईच अदर। यानी कि एक दूसरे से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, एकदम डिफरेंट होने वाली है, दोनों का कोई मेल जोल नहीं होने वाला है। तो पीरियड्स में जो हमें एक और फीचर देखने को मिलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इसलिए यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हमें नहीं देखने को मिलेगी। अब पीरियड्स में क्या होता है, जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। बट एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्या ये पता लगाया जा सकता है? ये बिल्कुल पता लगाया जा सकता है अगर हम ये बेसिक समझ ले कि उस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, तो हम पहचान सकते कि इस पीरियड्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो चलिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि उस शेल में हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। और जो फॉर्मूला है वो है 2n2। 2n स्क्वायर क्या है, 2 समझाने की ज़रूरत नहीं है, n भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। n सर समझाना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं है। n क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए अब जब हम इसकी थोड़ी सी आगे बात करेंगे ना तो हमें समझ में आ जाने वाला है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि जहां भी अब बात होगी ना आगे, जिस भी कंसेप्ट की जो भी बात होने वाली है, ये फॉर्मूला दिमाग में याद रखना, क्या बोला है, 2n स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम देखेंगे 2n स्क्वायर को दिमाग में फिट करके, पहले हम बात करते हैं के शेल की। के शेल में कितने होते हैं, 1 होते हैं। कितने होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं। फॉर्मूले में पुट कर दे, कर देते हैं, 2 वैसा की वैसा रहेगा, n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, याद है ना फॉर्मूला। तो 2n स्क्वायर, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा के शेल के लिए, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं लगाना है दिमाग, 1 ही होता है। तो 2 × 1 करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2 निकल के आता है। यानी कि के शेल में कितने कर सकते हैं हम, 2 कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, 2 हमारा आंसर आया, तो 2 कर सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। चलिए तो अब चलते हैं सेकेंड पीरियड की तरफ, यानी कि अब बात करेंगे L शेल की। L शेल में जो n की वैल्यू है वो हमें रख देनी है, 2 कर देनी है। फॉर्मूला याद है, 2n स्क्वायर, 2 वैसा की वैसा, स्क्वायर वैसा की वैसा, n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जब हम L शेल की बात करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को इंटू कर देते हैं 2 से, तो वो हो जाएगा 8। तो यहां पर क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि सेकंड पीरियड में हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर हमें देखने को मिलने वाले हैं, वो होंगे 8। यानी कि 8 एलिमेंट्स होने वाले हैं सेकंड पीरियड में। अब वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस थर्ड पीरियड के लिए करते हैं। यानी कि के और एल शेल की बात कर ली, अब एम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, M की बात करेंगे। तो अब M शेल में यहां पर हमें चीज देखने को मिलेगी, 2 की जगह आपको लगाना है 3। K में क्या लगाते हैं हम, K में हमको पता था 1 लगाएंगे, L में 2 लगाएंगे, अब M में क्या लगाएंगे, 3 लगाने वाले हैं, यानी कि 3 लगाने वाले हैं। फॉर्मूला याद है, 2n स्क्वायर, n की जगह लगा दीजिए 3 एम शेल के लिए। तो एम शेल के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा 2 × 3 का स्क्वायर। 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 × 2 करेंगे 18 आ जाएगा। तो m का आंसर क्या आ रहा है, m शेल के लिए आंसर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। लेकिन 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 यानी कि यहां पर 18 तो हमारा आंसर आ रहा है, बट जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 80 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 80 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। यानी कि थर्ड वाला जो पीरियड है उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 होंगे। तो फर्स्ट वाला जो हमने देखा के वाला, उसमें कितने थे, उसमें 2 थे, यानी कि वो क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि 2 ही है उस पीरियड में, 2 ही एलिमेंट है, तो हम उसे बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड वाले में होने वाले हैं 8 एलिमेंट्स, तो हम उसे बोलते हैं सिर्फ शॉर्ट पीरियड। और थर्ड में भी होने वाले 8, तो उसे भी क्या बोलेंगे,
शॉर्ट पीरियड, और अब जो हमारे फोर्थ और फिफ्थ होते हैं उन्हें हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं लॉन्ग पीरियड? ये बात तो तय है, उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं। वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे 18 एलिमेंट्स, और फिफ्थ और सिक्स जो है, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ को हमने बोल लिया क्या बोला, 18 एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कितने देखने को मिल रहे हैं? 18 एलिमेंट्स, इसीलिए हमने क्या बोला उन्हें, लॉन्ग पीरियड्स बोला। तो अब 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ के फिफ्थ पीरियड हमें क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 6 और 7 की। 6 और 7 वाले को भी हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हमें 32 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वाले में कितने हैं? फर्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 है, सेकंड और थर्ड में 8 है, फोर्थ और फिफ्थ में हमें 18 देखने को मिलते हैं, और सिक्स और सेवन्थ में हमें 32 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो लॉन्ग पीरियड है। अब ये सब समझने के बाद हम समझने वाले हैं कुछ एनोमलीज, यानी कि कुछ जो लिमिटेशंस हमने मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में निकाली थी, और अभी तक जो पहले वाले जो मॉडल्स थे उनमें भी हमने निकाली, जो पहले वाले हमारी जो जितनी भी थ्योरीज थी उनमें जो हमने कमियां निकाली, जो लिमिटेशंस निकाली, वो अब होने वाली है क्लियर होने वाली है। तो पहले तो एक बात, अगर आपने फर्स्ट पार्ट में एकदम अच्छे से जज बन के मेंडेलीव का जब परफॉर्मेंस हुआ था, तो आप अच्छे से जज बन के जब गलतियां निकाली है ना, तो ये चीज़ समझ में आने वाली है, यानी कि वहाँ के लिमिटेशंस याद होने वाले थे, क्योंकि अब एक एक लिमिटेशन उठाएंगे उसको सही कर देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की कुछ एनोमलीज जो कि यहाँ पर सही हो गई, यानी कि वहाँ की जो लिमिटेशंस थी और पहले के जो थ्योरीज थी उसमें भी जो लिमिटेशंस थी वो अब सब क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पर पहली चीज जो हमको हाइड्रोजन को लेके अभी तक पिछले जो जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा बहुत वो था, इसकी पोजीशन को लेके, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, वो सबके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो उसको एक पोजीशन होनी चाहिए, एक अच्छी उसकी पोजीशन कहाँ रखे। तो यहाँ पर हेनरी मॉसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी है इसमें क्या हुआ, ये जो मसला था ये एकदम सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक पोजीशन दी गई, जैसा कि हमने पीरियोडिक टेबल में भी देख लिया है और आप अभी भी देख रहे होंगे। तो हाइड्रोजन को क्या दे दिया हमने, एक स्पेसिफिक पोजीशन दे दी, क्योंकि उसका जो अलग तरीका है बॉन्ड बनाने का और सबसे थोड़ा सा विपरीत यानी कि अपोजिट नेचर है, इसलिए उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन और एक डिफरेंट पोजीशन पीरियोडिक टेबल में दी गई है। और जो सेकंड एनोमली थी, यानी कि जो सेकंड लिमिटेशन हमने देखी थी मेंडेलीव के, उसमें क्या हुआ था, क्लोरीन आइसोटॉप हम जानते हैं क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास डिफरेंट होगा, तो क्लोरीन 35 का मास का भी मिल रहा था और 37 के मास में भी मिल रहा था, दोनों को एक ही जगह कैसे रख दिया। तो ये चीज़ अब क्लियर हो गई है, क्यों कैसे हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं अब एटॉमिक मास नहीं है पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेड है, एटॉमिक नंबर पर। तो और यहाँ पर क्या हो रहा था, क्लोरीन 35 और 37 क्या था, उसका मास था, यानी कि मास से फर्क नहीं पड़ेगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं। तो वो जो मसला था वो भी सॉल्व हो गया, और क्लोरीन को हम एक जगह रख सकते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं एटॉमिक नंबर क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, जो कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पढ़ा है, जो कि हेनरी मॉसले ने बताया है। अब हम चलते हैं एक स्टेप और आगे। हमने देखा था जो कोबाल्ट और निकल है उसकी पोजीशन को लेके हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, और ये लिमिटेशन हमने निकाली थी, तो यहां पर ये चीज भी सॉल्व हो गई। क्या हुआ, यहाँ पर जो कोबाल्ट और निकल है उनकी अब स्पेसिफिक पोजीशन रख दी गई, और उनको इस बार आयरन के पास में रखा है। पिछली बार हमने देखा था आयरन जो कि उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलियर है, उनसे बहुत ज़्यादा दूर था, और आयरन उनके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में था। बट यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आयरन के पास में रख दिया है, कोबाल्ट और निकल को, जिनकी सेम सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पर जो लास्ट चीज़ हमें देखने को मिली, ऐसे तो हमारी सारी जितने भी लिमिटेशंस है अब हमें क्लियर हो चुकी है, जो तीन थी, एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके, और क्लोरीन जो आइसोटॉप्स बना रहा है उनको लेके, और जो हमें देखने को मिल रहा था कोबाल्ट और निकल की पोजीशन को लेके, और ये जो पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको पास कर दीजिए, सील लगा दीजिए, बहुत एक्यूरेट है। क्यों है एक्यूरेट, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होने की वजह से
ये पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो हेनरी मॉसले को विनर बना देते हैं, परफॉर्मेंस के विनर हो गए, क्योंकि यहां पर तो इन्होंने इनकी गलतियां नहीं निकाल पाए, अपन इनकी लिमिटेशंस नहीं निकाल पाए, जो दूसरों की लिमिटेशंस थी वो भी यहां पर सॉल्व हो गई। तो यहां पर हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। इसमें हमने ग्रुप्स के फीचर्स भी देख लिए, पीरियड्स के फीचर्स भी देख लिए, और जो पिछली कमियां पीरियोडिक टेबल में निकल के आ रही थी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझने के बाद हम अब क्या करने वाले, पीरियोडिक टेबल में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक है वैलेंसी, और अब क्या है, चेहरे पे थोड़ी स्माइल के साथ चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि एक गुड न्यूज है आपके लिए, 70-80% ऑफ चैप्टर अब आप क्लियर कर चुके हैं, यानी कि अब छोटे छोटे से टॉपिक बचे, और अभी तक का पार्ट वन और जितना इसका पार्ट था वो समझ में आया है ना, तो आगे का तो कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम आराम से इसको देख सकते हैं और बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है, मैंने क्या बोला था वहां पर, आपको बताया था कि जो वैलेंसी होगी ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वो क्या होगी, सेम होगी। हाँ सर बिल्कुल बताया था, लेकिन मुझे भी याद है मेरा प्रॉमिस कि मैंने ये नहीं बताया था वैलेंसी क्या होती है, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसे डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है आप ऐसा समझ लीजिए, कोई आदमी जो है, यानी कि एक पर्सन है, उसको क्या बोलते हैं, उसका पता है नेचर बड़ा बेकार है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, सिर्फ दो दोस्त होंगे गिनती के, क्योंकि उसका नेचर ऐसा ही है। और अब एक और दोस्त के बारे में पूछा, बोले अविनाश कैसा है, और बोले वो तो बड़ा मिलनसार इंसान है। कैसा इंसान है, मिलनसार इंसान है, जहाँ जाता है दोस्त बना लेता है, जहाँ जाता है दोस्त बना लेता है। तो सर ये क्यों बताया, कोई अविनाश सही में आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर वैलेंसी को समझने के लिए हमने इस चीज़ की बात की है, क्योंकि वैलेंसी पता है क्या है, एक एटम की एबिलिटी, क्या है, एक एटम की एबिलिटी कि वो कितने लोगों से बॉन्ड बना सकता है। क्या बोलेंगे हम वैलेंसी को, एक एटम की एबिलिटी कि वो कितने लोगों से बॉन्ड बना सकता है, कितने दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है, यानी कि एक एलिमेंट जितने दूसरे एलिमेंट से कितनों से फ्रेंडशिप कर पाएगा, वही तो है उसकी वैलेंसी। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी है 4, इसका मतलब क्या हुआ, वो कितने बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बनाएगा, यानी कि कार्बन आ गया तो उसके दोस्त कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। यानी कि वैलेंसी से हमें एक चीज दिमाग में फिट रखनी है, हर एक एलिमेंट की एक एबिलिटी होती है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, तो वैसा ही यहाँ पर होगा सभी एलिमेंट्स के साथ। तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग वैलेंसी होगी, और अब वो हर ग्रुप में हर जो एलिमेंट है उसकी क्या वैलेंसी होगी वो हम डिस्कस करेंगे। बट एक बार थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं वैलेंसी का। वैलेंसी हर एक एलिमेंट की एबिलिटी है कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा कौन, एलिमेंट, वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। तो अब हम जानते हैं जो हर एक ग्रुप है उसमें सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो बच गए आप, आपको हर किसी की देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर ग्रुप 1 का पता है, ग्रुप 2 का पता है, तो ग्रुप 1 और 2 के सबका एक ही होने वाला है। तो अब क्या है, आपकी बुक में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन देके रखा है, बट यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डायरेक्टली याद कर लेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। तो अब जो होता है, एक हमको एक फॉर्मूला लगाना है, यानी कि जो ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, उसमें वैलेंसी होगी 1, कितनी होगी, वैलेंसी होगी 1। ग्रुप 2 में होगी वैलेंसी 2, ग्रुप 2 में वैलेंसी कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। इसके बाद डायरेक्ट हमको आना है 13 में, यानी कि अब डायरेक्ट 13 ग्रुप में हमको वैलेंसी कितनी देखने को मिलने वाली है, हमें वैलेंसी देखने को मिलने वाली है यहां पर 3। ग्रुप 13 में आके हमें कौन सी वैलेंसी देखने को मिल रही है, कितनी वैलेंसी देखने को मिल रही है, 3 देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी है 3, वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं, ये चीज हमें समझ में आ गई। ग्रुप 14 की कितनी होगी, 4 होगी, तो यहां तक समझ आ गया। ग्रुप 1 की तो 1 ही होगी, ग्रुप 2 की 2 होगी, और 2 से लेके फिर बाकियों को भूल जाना, और डायरेक्ट अब 3 कहां पर होने वाली है, ग्रुप नंबर 13 में, और 14 पे क्या होगी, 4 होगी वैलेंसी। अब 14 के बाद क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, यानी कि ग्रुप 15 की अब हो जाएगी 3, और ग्रुप 16 की हो जाएगी 2,
और ग्रुप 17 की हो जाएगी 1। बच गया एक ग्रुप, बच गया यानी कि ग्रुप नंबर 18, इसकी हो जाएगी 0। सर 0 क्यों हो रही है? आप समझिए, जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है ना, ये शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान है, ठीक है। इसको SRK से कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हर जो नॉर्मल इंसान है वो क्या बनना चाहता है? SRK जैसा बनना चाहता है, शाहरुख खान जैसा बनना चाहता है। तो वैसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स में सभी एलिमेंट्स है ना, वो ग्रुप 18 के जैसे बनने चाहते हैं, यानी कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि उन एलिमेंट्स में ऐसा क्या खास है सर कि सब उनके जैसा बनना चाहते हैं? उनके पास कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स है, कंप्लीट फिल्ड शेल्स है, यानी कि अपने को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने उनके पास है। उनका क्या कहना है? हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमारे पास उतने हैं, हम किसी से बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनाने वाले हैं। इसीलिए जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है वो कौन है? नॉबल गैसेस है। जो उनका पास क्या है, जो वैलेंसी है वो क्या होती है? 0, क्योंकि उनका पेट पहले से भरा हुआ है, उनको और ज़्यादा किसी के साथ दोस्ती वोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनकी वैलेंसी होती है 0। बाकी सबकी वैलेंसी क्या होगी सभी ग्रुप्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये सब बॉन्ड इसीलिए बना रहे हैं, इनको क्या बनना है? SRK बनना है। क्या बनना है? SRK बनना है। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट जैसा बनना चाहते हैं, उनका पेट भी भर जाए ताकि एक दिन ऐसा आए जब उन्हें क्या ना करना पड़े, बॉन्ड ना बनाना पड़े। तो इसीलिए ये सब क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्रुप 1 से लेके 18 तक की वैलेंसी क्या होगी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमें ये याद रखना है ग्रुप 18 की क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। और जो वैलेंसी 3 होगी वो स्टार्ट होगी 13 ग्रुप से। तो सभी ग्रुप्स की वैलेंसी हो गई है क्लियर। अब जो दूसरी चीज है वैलेंसी के बाद हम जो देखेंगे वो है एटमिक साइज, यानी कि जो एटम है वो कितना बड़ा है, उस एटम का साइज क्या है। सभी एटम्स क्या होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे जो भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके एटम्स का साइज क्या होने वाला है? अलग होने वाला है। और हमेशा हमें ये चीज याद रखनी है, जो एटम का साइज है ना, हम इस दुनिया में सबसे छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं, जो कि ये एटम तो बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए हम इसको मेजर करते हैं पीकोमीटर के फॉर्म में। किस में कर रहे हैं? जो इसकी यूनिट है वो क्या है? पीकोमीटर। और 1 पीकोमीटर इक्वल्स टू 10^-12 meter। अब आपको लगा होगा सर सही में 1 पीकोमीटर तो बहुत छोटा होता है। अब ये 1 पीकोमीटर को और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको अगर लेने हो केले, यानी कि बनानास लेने जाओगे तो काय में लेते हो? डजन में। बोलते हो कभी 2 किलो दे दो, 4 किलो? नहीं, 1 डजन देना, 2 डजन देना, ठीक है। और सब्जी लेने जाएंगे किलोज में लेंगे, ठीक है। और डेयरी पे जाएंगे दूध काय में लेंगे? लीटर्स में लेंगे। पेट्रोल भी लीटर्स में लेंगे। तो एक और बात याद रख लो एज अ साइंस स्टूडेंट, हमेशा एटम को मेजर काय में करोगे? पीकोमीटर में करोगे। और 1 पीकोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 10^-12 picometer। तो सिंपली हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके देखें तो वो होता है 35 picometer, 35-37 picometer होता है। तो क्योंकि उसका अलग अलग हमें मासेस में भी देखने को मिलता है, तो 35-37 picometer है, तो क्या है? बहुत ज़्यादा छोटा है। क्या है? बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं 1 picometer कितना होता है? 10^-12 meter। तो 35 है तो हम उसे लिख सकते हैं 35 × 10^-12 meter। ये हमने क्या लिख दिया? एटमिक साइज लिख दिया हाइड्रोजन का। अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है, एटमिक साइज वाकई में है क्या? यानी कि रियलिटी में अगर सोच के देखें एटमिक साइज क्या है, हमें पता है एक एटम छोटा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, लेकिन किस लिए हो रहा है? एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो लगा के 2 मिनट देख लीजिए जहां वो टॉपिक है। तो एटम के सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से लेके जो आखिरी वाला शेल होगा उस एटम में, वहां तक की दूरी होती है एटमिक साइज। वही चीज बना रही है एटमिक साइज को। यानी कि क्या हुआ? एटम के सेंटर में बीच में जो न्यूक्लियस है और सबसे बाहर जो शेल होगा आखिरी वाला शेल, उससे उसकी दूरी वो क्या होगी? एटमिक साइज होगी। ये ऐसा ही है जो फर्स्ट बच्चा खड़ा हुआ है और जो आखिरी बच्चा है उनके बीच का पूरा डिस्टेंस जो भी है, तो पूरी लाइन हो गई है, पूरी 9th क्लास 10th क्लास की लाइन हो गई असेंबली की। तो वैसा ही ये था। तो यहाँ पर हमें समझ में आया एटमिक साइज क्या होता है। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके समझ के देखें, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है वहाँ से लेके जो आउटर मोस्ट शेल होगा उस एटम में, वहाँ तक की दूरी होती है एटमिक साइज। और सब में क्या होता है? अलग होता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप क्या होते थे? बढ़ते थे। ये चीज हमने दिमाग में एकदम फिट करके रखी हुई है कि जो शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो अब एटॉमिक साइज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक की दूरी क्या होगी? एटॉमिक साइज होगी।
और शेल्स क्या हो रहे हैं, नीचे जाने पर ग्रुप पे बढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज भी क्या होता जाएगा धीरे धीरे, छोटे से बड़ा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। यानी कि ग्रुप्स में जब हम नीचे जाएंगे तो क्या होने वाला है, एटॉमिक साइज बड़ा होता जाएगा। हमें एक और बात यहाँ से समझ में आ गई, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। और जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे यानी कि पीरियड के अलोंग चल रहे, कहाँ चल रहे हैं, पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या होता है, कौन सी यूनिट में मेजर होता है, समझ में आ गया। डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होने वाला है, डिक्रीज होगा। तो ये था हमारा एटॉमिक साइज का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है आंसर्स देने के लिए। इससे ज़्यादा बाहर की चीज़ एटॉमिक साइज को लेके आपको नहीं आने वाली है। तो अब बात करते हैं मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर की। तो अब एक मेटल और एक नॉन मेटल में ऐसी क्या चीज़ें होती है जो उसको मेटल और नॉन मेटल बना रही है और दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो चीज़ है यानी कि वो एलिमेंट्स है जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म कर लेते हैं, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, वो दान देने में यकीन रखते हैं, डोनेशन देने में यकीन रखते हैं। तो हमें क्या देखना है, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, तो वो होते हैं मेटल्स। और हम उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा आदमी है, दान दे रहा है तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, इसीलिए हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, पॉजिटिव आयन बन गया है और इसमें से क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और यही एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स इसका टोटली अपोजिट होंगे। वो वहाँ पर दान कर रहा था ये, यानी कि सोच लो लोन लेने वाला है, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो डोनर है उससे वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इसने लिया है, इसका बैंक बैलेंस क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। पैसे इसने दूसरे से लेते हैं तो क्या होता है, बैंक बैलेंस नेगेटिव, माइनस में गया। तो वैसे इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स लिया है, देना अच्छी बात थी, तो वो क्या हो गया था, पॉजिटिव। बट नॉन मेटल्स क्या करते हैं, लेते हैं, यानी कि इनके पास एबिलिटी है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और ये बनाते हैं नेगेटिव आयन। क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन, और इसीलिए हम इन्हें बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स समझ में आ गया। अब कुछ जो ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी है, तो क्या करें, इन्हें क्या बोले, मेटल्स बोले या नॉन मेटल्स बोले, कंफ्यूजन वाली बात तो है, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जो ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, उसे हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। तो दिमाग में याद रखना है, मेटलॉइड्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो एग्जिबिट कर रहे हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप क्या, ग्रुप कैसे होता है, वर्टिकल कॉलम। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, जो मेटलिक कैरेक्टर है इंक्रीज होगा। क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटलिक, एकदम समझने की बात है, डिक्रीज होने वाला है। यानी कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब हम ऐसा अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो याद रखना है, मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। और मेटल्स और नॉन मेटल्स को मेटल्स क्यों बोलते हैं और नॉन मेटल्स क्यों बोलते हैं, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस भी हम समझ चुके हैं। और जो दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने वाले, मेटलॉइड्स, याद तो होगा ही, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होगी उन्हें क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स भी हमें क्लियर
हो चुका है। और आपको एक और चीज़ रिमेंबर रखनी है, हम कहीं कहीं जगह आपको चीज़ें फिल्टर करके दे रहे हैं और जिसका असर बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होना है। कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि आपको वहाँ पर अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं था। बट आपको क्या करना है, एक प्रॉमिस करना है, आप उसको और ज़्यादा फिल्टर नहीं करेंगे। यानी कि जितना हमने दिया है उसे शॉर्ट करके, जितना आपने पढ़ा है अभी वैलेंसी को, इतना आपको याद रखना है और 100% श्योर, डैम श्योर कि आपको क्या है कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी आंसर को देने में उससे रिलेटेड। बट आप उसको उससे ज़्यादा फिल्टर ना करें, जितना इंट्रोडक्शन, जितनी डेफिनेशन यहाँ हम बता रहे उससे भी और छोटा, इतना और कम कर लेते हैं तो वो नहीं चलने वाला है बिल्कुल भी। तो चलिए अब इसी के साथ टॉपिक पे बैक टू द टॉपिक हो जाते हैं, बैक टू द ट्रैक हो जाते हैं। तो बात कर रहे थे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। तो अब आपको ऑक्साइड्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल्स ऑक्साइड बनाएंगे, क्या करेंगे, जो मेटल्स ऑक्साइड बनाएंगे वो नेचर में होते हैं बेसिक। क्या होते हैं, मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाएगा वो क्या होंगे, बेसिक होंगे नेचर में, और जो नॉन मेटल्स बनाएंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में। तो मेटल्स वाले ऑक्साइड्स, और ऑक्साइड्स पहले होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए, ऑक्साइड्स यानी कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे, अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बना रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मेटल्स ऑक्साइड्स बनाएगा वो क्या है, बेसिक है, जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स बनाएगा वो क्या है, एसिडिक है। अब हम जाएंगे अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटल बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक है, और मेटल मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इस साइड डिक्रीज होता है। तो जब मेटल बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है यानी कि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक है, तो इधर जाने पर वो भी क्या होंगे, जब मेटल्स कम हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होंगे, और डाउन द ग्रुप मेटल क्या होते थे, इंक्रीज होते थे। मेटल्स जो मेटलिक कैरेक्टर है पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और मेटल के ऑक्साइड्स क्या है, नेचर में बेसिक है, तो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर भी क्या होने वाला है, ऑक्साइड्स का इंक्रीज होने वाला है। तो ये था हमारे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में एक छोटा सा काम का डिस्क्रिप्शन, जो हमें बिल्कुल सफिशियंट है आंसर देने के लिए और किसी को भी जनरल इंट्रोडक्शन बताने के लिए कि हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, यानी कि चैप्टर होने वाला है खत्म, तो तैयार हो जाइए, अब मतलब छुट्टी होने वाली है ऐसा समझ सकते हैं। ये लेक्चर यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अगर हम पहले तक का अच्छे से पढ़ते आए तो बस लास्ट 2 मिनट और बैठ जाइए और ये लास्ट टॉपिक पढ़ लीजिए और आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरी तरीके से खत्म। फिर जाके क्वेश्चन खोल के देखिए, सारे क्वेश्चन बनने वाले अगर आपने दोनों वीडियो एकदम ध्यान से देखे हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट की एबिलिटी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसको अपनी तरफ खींच ले। यानी कि हर एक जो एलिमेंट है उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको वो कितने अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कबड्डी का मैच चल रहा है, काय का मैच चल रहा है, कबड्डी का मैच चल रहा है। तो अब क्या हुआ, एक जो है टिंकू, टिंकू को हमने मान लिया, टिंकू क्या कर रहा है, वो जो पाले में आ रहा है, जो भी प्लेयर आ रहा है उसको पकड़ने का उसका अच्छा है, यानी कि वो अपनी तरफ खींच लेगा, एकदम ऐसे टांग पकड़ के खींच लेता है। बट अब हमारा एक और कैरेक्टर है पिंकू, वो क्या है, वो और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर है, एकदम हट्टा खट्टा है, तो वो जैसे ही कोई आया इस साइड वो क्या करेगा, एकदम पकड़ के ही रख लेता है, अपनी तरफ खींच लिया उसको, अब तो जाने का कोई चांस नहीं है। चलिए वो तो यहाँ पर जो पिंकू है वो मैच जीत गया, लेकिन हमें यहाँ से क्या सीखना है, ज़्यादा जो कैरेक्टर था वो किस में था, पिंकू में था। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी ऐसे ही समझना है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम खींच पाएगा, कुछ क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि एक एटम की एबिलिटी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेंगे उस शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें समझ आ गई है, और इससे हमने क्या सीखा, एक एलिमेंट की एबिलिटी अपनी तरफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पता है कौन होता है,
फ्लोराइन होता है। फ्लोराइन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो अभी हमें इस ग्रुप में भी देखने को मिल रहा है। और इसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो सबसे ऊपर वाला जीत जाएगा, तो वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम समझ चुके हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। चेहरे पे आ चुकी होगी आप सभी के स्माइल। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा। तो इसी के साथ मैं मिहिर शर्मा आपसे विदा लेता हूं।